चलिए फ्रेंड्स, क्विक हेल्दी एनर्जेटिक व्रत वाले मूंगफली के लड्डू बनाते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल झलक कृष्णा की रसोई का में। तो चलिए बनाते हैं हेल्दी क्विक व्रत वाले मूंगफली के लड्डू। इसके लिए मैंने 300 ग्राम मूंगफली लिया है और सेम क्वांटिटी में मैंने 300 ग्राम गुड़ लिया है, थोड़े से किशमिश लिया है और हरी इलायची लिया है। मूंगफली को हम धीमी आँच पर भून लेंगे। इसे धीमी आंच पर ही भूनना होता है, इसे टाइम लगता है 9-10 मिनट तक। आप धीमी आंच पर भूनते हैं तो इसका जो नेचुरल स्वीटनेस रहता है वो बरकरार रहता है। अगर आप फास्ट हाई फ्लेम पे भूनेंगे तो ये भून तो जाता है लेकिन अंदर से कच्चा रहता है और लड्डू बहुत जल्दी ख़राब होते हैं और उसमें से स्मेल आ सकता है। अगर आपको लड्डू 15-20 दिन एक महीना तक रखना हो तो आप इसे धीमी आंच पर भून लेना। इसे ठंडा करने के लिए रखते हैं, मैंने अलग बर्तन में इसे निकाल दिया है। इसे 5-10 मिनट के लिए हम ठंडा करने के लिए साइड में रखते हैं। तब तक हम गुड़ बारीक कर लेते हैं। कभी भी आपको अगर लड्डू बनाना हो तो गुड़ आप इस तरह का ही ले लीजिए। जो पाउडर गुड़ आता है आजकल वो आप मत लेना, उसमें मॉइस्चर नहीं रहता है। इसमें खुद का मॉइस्चर रहता है तो लड्डू बनाने में आसानी होती है। और थोड़ा गुड़ में कचरा भी रहता है, कचरा मतलब जो गन्ने का चारा रहता है वही रहता है, कचरा कुछ अलग नहीं रहता है इस तरह का कुछ, वो भी आप निकाल लेना। इसमें देखिए इस तरह का मॉइस्चर रहता है जो लड्डू बनाने में बहुत ही आसानी होती है, क्योंकि इसमें ना ऑयल जाता है ना घी जाता है, सिर्फ गुड़ का मॉइस्चर और शेंगा में का जो नेचुरल ऑयल रहता है उसी में से ये लड्डू बनते हैं। आप चाहे तो मूंगफली का छिलका रख सकते हैं लेकिन मैं इस बार निकाल रही हूँ, कभी कभी मैं रखती हूँ। तो हमारे घर में क्या करते हैं कि इस तरह से मूंगफली जो सामने का सब सारा लेते हैं निकाल लेते हैं और जो पीछे बचता है उसके जो छोटे छोटे दाने रहते हैं, देखिए जो मैं निकाल रही हूँ ये, इसे निकाल कर साइड कर देते हैं और लड्डू में नहीं डालते हैं। तो आपके घर में भी इस तरह से करते हैं और इसे क्या कहते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहना। फ्रेंड्स, मैंने भी इसे साइड कर दिया है। तो चलिए आगे की प्रोसेस करते हैं। मैं कभी भी इन्हें पीसते वक्त मूंगफली और गुड़ इक्वल क्वांटिटी में लेती हूँ। इसी में थोड़ा सा हरी इलायची का पाउडर डालकर बंद चालू करते हुए पल्स मोड पर ही पीस लेती हूँ हमेशा। इससे क्या होता है कि गुड़, मूंगफली और हरी इलायची एक अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं और इनमें अच्छी तरह से बाइंडिंग आ जाती है। ये देखिए मैंने इस तरह से दरदरा सा ही रखा है। अगर बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट करते हैं तो बेसन के लड्डू के जैसे ये मुंह में चिपकने लगता है। इसे थोड़ा सा दरदरा सा रखते हैं तो इसका क्रंचीनेस बरकरार रहता है। मैंने दूसरा बैच भी मैंने बारीक कर लिया है। गुड़ और मूंगफली एक साथ पीसने से इसमें बाइंडिंग बहुत अच्छी तरह से आती है और लड्डू बनाने में बहुत ही इजी जाता है, आसान लगता है। आप देख लीजिए, इसमें दूसरा कोई डालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम मस्त इसमें बाइंडिंग आ जाती है। आप जैसे चाहे आसानी से लड्डू इसे बना सकते हैं। इस तरह से आप धीमी आंच पर भूनते हैं तो ये एक महीना तक आप रख सकते हैं, वरना बहुत जल्दी इसमें ये ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। आपको समझ में भी नहीं आता कि क्यों ख़राब हुआ है, अंदर से कुछ अलग सा स्मेल आता है। ये देखिए कितना मस्त बना है। ये बहुत ही एनर्जेटिक रहते हैं फ्रेंड्स, गुड़ रहता है और मूँगफली रहती है। आप रोज़ सुबह एक नाश्ते के वक्त लेते हैं तो बहुत ही दिन भर एनर्जेटिक फील कर सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो इसमें ड्राई डेट्स और ड्राई फ्रूट्स बारीक करके डाल सकते हैं इसी के साथ पीसकर। बहुत ही इससे आप छोटे छोटे लड्डू बनाकर उनके टिफ़िन में रोज़ एक आप नाश्ते के वक्त दे सकते हैं। इस व्रत में तो ये बहुत ही मस्त काम करते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं। रोज़ एक आप नाश्ते के वक्त लेते हैं तो दोपहर के 2 बजे तक खाने पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती, भूख भी नहीं लगती है। ज़रूर इस तरह से ट्राई करना फ्रेंड्स। मेरे चैनल पर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना फ्रेंड्स। अगर रेसिपी पसंद आए तो फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करना। लीजिए, रेडी हो गए क्विक रेसिपी हेल्दी एनर्जेटिक व्रत वाले मूंगफली के लड्डू। ज़रूर इस फेस्टिवल में बना कर रखना फ्रेंड्स। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।